फट गया है, सीलिंग भी ख़राब हो गया है क्योंकि ये टीना ख़राब हो गया अभी। फैन देखिए, फैन का रीज़न अलग है, यहाँ का कुछ अलग है। से देखते हैं तो आप लोग कल से तुरंत हमारे मंत्री जी को, इस गांव के जो अथॉरिटी है, तुरंत एक प्रपोजल दीजिए, मैं अभी नया बिल्डिंग की ज़रूरी है। नमस्कार वंचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करते हैं, और इस वक्त हम लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के कानूबरी पे हूँ, और कानूबरी के कमका विलेज पे आया हुआ हूँ। और बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेंट आया था कि हमारे कानूबरी के जो कमका कॉलोनी के जो प्राइमरी स्कूल है, इसका स्थिति देखिए, इसको एक बार दिखाइए कि स्कूल का हालत क्या है, यहाँ बेंच डेस्क है कि नहीं। बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट आ रहा था, जिसके लिए आज मुझे जैसे ही मौका मिला तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा आज हम कमका विलेज के जो प्राइमरी स्कूल है, यहाँ सबसे पहले हमको स्कूल की जो स्थिति दिखाएंगे, भीतर बाहर कोने साइड पूरे हम ऊपर नीचे सारे दिखाएंगे, फिर बताएंगे कि हमें करना क्या है। तो चलिए सबसे पहला हम यहाँ के बोर्ड देखते हैं, ये कमका विलेज, कानूबरी कमका विलेज के जो प्राइमरी स्कूल है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कमका, अपग्रेडेड अंडर SSA प्रोजेक्ट, इनॉग्रेटेड बाय श्री एन तिंखात्रा हॉनरेबल मिनिस्टर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट माइनिंग एंड मिनरल्स अरुणाचल प्रदेश ऑन 17/8/2007। काफ़ी पुराने लगता है, तो जब तिंखात्रा हमारे यहाँ के मिनिस्टर थे उस वक्त की ये स्कूल है, तो काफ़ी पुराना हो गए है अभी। सबसे पहले हम इस साइड रूम देखते हैं, भीतर साइड, ये तो लॉक है, ये खुला था। ये हालत है यहाँ में, ये हम लोग साफो बोलता है, साफो जो जमीन पे एक बुक होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अंचल, ये पूरा मिट्टी जो जमीन से निकले हुए पुक बोलते हैं ना, पुक का कीड़ा, उसकी वजह से ये मिट्टी मिट्टी जमा हो गया है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं पानी, ये पूरा भर गया था सवेरे तक, जब मैंने सुबह आके देखा तो यह पूरा पानी भरा हुआ था, अभी थोड़ा सूखा हुआ है। ये यहाँ पे सीलिंग भी फटी हुई है, कारण टीना पूरा खराब हो चुका है, टीना पच गया, पोचा हो गया अभी। और यहाँ आप देखिए पूरा साफो उठ गया है, हम लोग साफो बोलते हैं, जो देखिए नीचे से लेकर ऊपर तक, ये हालत है एक रूम का। नेक्स्ट रूम पे हम देखते हैं, ये दरवाजा भी काफी पुराना हो गया है, पूरा पोचा हो गया है, जब खोलेंगे बंद करेंगे तो शायद ये खिली विली हाथ में चुक जाने के, ये देखिए लॉक सब पूरा ख़राब हो चुका है, पूरा ढीला हो गया है। और यहाँ का बोर्ड आप देख, ब्लैक बोर्ड वॉल पे लगाया हुआ है, और खिड़की का पूरा ख़राब हो गया अभी। तो यहाँ पे भी पानी था थोड़ा पहले, मुझे मैं जब आया था तो सूखा है, अभी तो फिलहाल सूख गया, पूरा पानी लीकेज होता है, ऊपर से पानी लीकेज होता है, कि टीना खराब है, टीना खराब हो चुका है, ये हाल है। और तीसरा रूम हम दिखाएंगे आपको, ये तीसरा रूम पूरा पानी भरा हुआ है, यहाँ पे देखिए दरवाजा किस हालत पे है, जब सवेरे हम एक बार आया था तब पूरा ये पानी भरा हुआ था, अभी तो इतना सूख गया है। और यहाँ का सीलिंग पूरा धस गई है, पूरा ख़त्म है, ये तो इसको कभी भी गिर जा सकता है, यहाँ जब क्लास लेंगे बच्चा जब बैठेंगे तो ये सीलिंग कभी भी गिर जा सकता है। पूरा फट गया है, सीलिंग भी ख़राब हो गया है क्योंकि ये टीना ख़राब हो गया अभी। फैन देखिए, फैन का रीज़न अलग है, यहाँ का कुछ अलग है। चलिए बाहर से हम दिखाते हैं, तो ये मिड डे मील के लिए बनाई गई किचन है ये शायद, और पहले टैप चेक करते हैं, हाँ पानी तो आ रहा है, पानी सही है आ रहा है,
ये मिड डे मील किचन, टॉयलेट तो है ही नहीं, खत्म है, पूरा बर्बाद है। क्या ही लेगा यहाँ, क्या ही होगा, उस यहाँ तो घुस नहीं सकते, पूरा जाम है, पूरा भर्ती जाम है, हाँ खराब है पूरा। क्या ये तो खुल रहा ही नहीं है, मिट्टी अंदर घुसते जा रहा है। और एडिशनल क्लासरूम 2010-11 टोटल अमाउंट रुपीस 2.52, हाँ डेट ऑफ कंप्लीशन 18-10-2012। तो 12 चारों साइड मैंने जाकर आप लोगों को दिखाया ताकि आपका आपको ये अच्छा से देखना जरूरी है सबको ना, हमको हर कोई बोलता है ऐसा प्रूफ, बिना प्रूफ का आप लोग भरोसा नहीं करते, इसलिए हमको ये दिखाना पड़ा है। चारों कोने को आप देखिए किस हालत पे है, ये रेलिंग सेलिंग भी पूरा पहुंच गया, ये बच्चों के हाथ काट जाने के चांस है, बच्चों के हाथ काट जाएंगे ये इससे। ये जो रेलिंग है ना पूरा बच्चों के हाथ काट जाएंगे, इधर बहुत रिस्क है, ये सब फेंक देना चाहिए या फिर नया लगा देना चाहिए, कहीं भी देखिए इन सब से बच्चों के हाथ काट जाएंगे, फिर सेफ्टी होगा, पूरा ख़राब है ये तो, ये देखिए। और ये स्कूल पूरा हाईवे के नेशनल हाईवे के रोड साइड पे है, तो जब ये स्कूल बनेंगे नया या फिर इसको ही पुराना रिपेयर करके, तो यहाँ में फेंसिंग का ज़रूरी है या प्रोटेक्शन वाल की ज़रूरी है चारों कोने साथ। इस साथ का तो वो लैंड ओनर बोलता है, लैंड ओनर का है, तो यहाँ से मान लीजिए रोड साइड पे और ये बागान गार्डन साइड पे आपको ज़रूरी होगा, फेंसिंग को भी लगवा देना है। बहुत दिनों से यहाँ के लोकल, यहाँ के जनता, यहाँ के पब्लिक के बहुत सारा कंप्लेन आ रहा था मुझे, तो मैंने आज समय मिलते ही यहाँ स्कूल पे जाके देखा। आप सभी ने भी देखा कि यहाँ का स्कूल जो है इनॉग्रेट किया गया था ऑनरेबल मिनिस्टर जब तिंखत्रा के समय पे 2007 को ये इनॉग्रेट किया गया था, तो आज 2024 है, तो मान लो आज 16 साल हो गए पुरानी ये। और इसका स्कूल की स्थिति आप देखें, यहाँ एंट्री होते ही दरवाज़ा ना ठीक है, ना लॉक है, ना दरवाज़ा पूरा टूटा फूटा हुआ है, अंदर जाते ही बैठने के बेंच डेस्क तो है ही नहीं, ऊपर से पानी फ्लोर पे पूरा भरा हुआ है, क्योंकि ये सीना पूरा ढक चुका है, सीना ख़राब हो चुका है, जिसके कारण पानी लीकेज होती है, जिसके कारण अभी जो सीलिंग जो है पूरा ख़राब हो गया है, सीलिंग कभी भी गिर जा सकता है, जब स्कूल क्लास बच्चे पढ़ रहा होगा तो कभी भी ये गिर जा सकता है। तो मैं चाहता हूँ ये स्कूल में जब भी आना जाना होता है तो मैं जब अभी तो ये ऑफ टाइम में मैं आ गया, नहीं तो हमेशा ये स्कूल क्लास लेती है टीचर, जब मैं आना जाना करता हूँ तो हमेशा ये खुला टीचर क्लास लिया हुआ देखता हूँ मैं हमेशा, क्योंकि ये मेन रोड है, इसके बगल में ही स्कूल है, तो मैं हमेशा देखता हूँ, तो जो क्लास कंटिन्यू करते हैं तो जब देखते हैं कि क्लास लिया हुआ होता है, तो कभी भी ये सीलिंग गिर जा सकता है, बच्चों के ऊपर में लग जा सकता है, कभी भी ये दरवाज़ा गिर के लग जा सकता है जब खुलते वक्त, तो ये हालत में है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ के कमका के जो लीडर है, आप तुरंत इस प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के लिए आप तुरंत हमारे विधायक को, हमारे मंत्री जी को प्रपोजल दीजिए, और मैं हमारे यहाँ के कानूनबर के जो मंत्री जी हैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप तुरंत सबसे पहला प्रायोरिटी में कमका विलेज में ये तुरंत कल परसों ही स्कूल बनानी चाहिए, क्योंकि अभी स्कूल का सीज़न है, अभी हाँ 15-20 दिनों से अभी क्लास चलना शुरू हो गया है, तो अभी बच्चों यहाँ के जो कमका के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन सभी के लिए ये स्कूल ज़रूरी है, अभी क्लास चल रहा है, लेकिन अभी क्लास लेने के लायक नहीं है स्कूल,
इसीलिए मैंने आज आके देखा पूरा भीतर, बाहर मैंने सब देखा यार। तो मतलब पूरा ये हम लोग बोलते हैं साफा बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, भूल गया, लेकिन पूरा लगा हुआ है। तो एक पार्ट नहीं, स्कूल के जो फाउंडेशन पोस्ट से लेकर वाल से लेकर खिड़की दरवाज़ा सीलिंग इसका सीना पूरा खराब हो चुका है। कभी भी ये धस जा सकता है जब स्कूल क्लास ले रहा होगा, तो ये बहुत रिस्की है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमारे यहाँ के कमका विलेज के जो अथॉरिटी से विलेज लीडर्स है, वो अपना प्रपोजल दीजिए कि ये तुरंत परसों ही, कल को ही ये प्रपोजल दे दीजिए हमारे मंत्री जी को, और परसों से ही ये आए। मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी इसको अप्रूव कराए, स्कूल बनवा दीजिए, स्कीम लाइए, क्योंकि अब बच्चों को अभी पढ़ना है, क्लास लेने की जगह एकदम रिस्की है। यहाँ एंट्री होते ही दरवाज़ा का हालत देखा आपने, खोलते ही खिड़की का हालत देखा, जब खिड़की खुलने लगी है तो लॉक से मतलब हाथ में चुभने का चांस है, खिड़की का जो खिली वली है निकली हुई है, दरवाज़ा टूटी हुई है ना, कि लॉक लगाए पूरा फ्री खुला हुआ है, और चारों मैंने देखा। तो मतलब मान लीजिए ये कुल मिलाकर स्कूल पूरा पहुँच गया, अभी खत्म नहीं देने लगी। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को जैसे ही आप लोग देख पाते हैं, जैसे ही देखते हैं, तो आप लोग कल से ही तुरंत हमारे मंत्री जी को, इस गांव के जो अथॉरिटी है, तुरंत एक प्रपोजल दीजिए, क्योंकि अभी बच्चों को यह स्कूल अभी क्लास लेने के लायक नहीं है। टीना वीना पूरा छेद हो चुका है, जिसके कारण पानी अंदर जाती है, और पूरा जो है पॉस खुताई से लेकर पूरा दरवाज़ा खिड़की टीना सब अभी पूरा ख़राब हो चुका है। तो यहाँ में अभी नया बिल्डिंग की ज़रूरी है। तो जैसे ही ये यहाँ गांव के कमका के गांव वाले जब प्रपोजल देंगे, हमारे मंत्री जी से यही रिक्वेस्ट है, आप तुरंत अप्रूव कर दीजिए इसको, क्योंकि अभी क्लास लेने की जगह नहीं है। इसलिए मैंने अंदर बाहर सब दिखाया कि यहाँ का क्या स्थिति है स्कूल का। तो सबसे पहला आप सेंक्शन कर दीजिए इसको तुरंत, ताकि बच्चों के लिए सुविधा हो, और बेंच डेस्क को भी इशू कर दीजिए। और ये हाईवे के बिल्कुल सामने है, तो यहाँ एक फेंसिंग का भी ज़रूरी है, फेंसिंग भी ज़रूरी है। हमारे कमका के जितने भी पब्लिक लीडर्स हैं, आप सभी का ये स्कूल का जो मैनेजिंग कमेटी होगा SMC से लेकर पूरा गांव लेवल के लीडर से, आप सब ये कल को ही प्रपोजल दे दीजिए हमारे मंत्री जी को। और मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट है, आपने खुद देखिए कि ये स्कूल अभी स्थिति क्या है, और तुरंत इसके ऊपर आप थोड़ा कुछ कार्रवाई कीजिए, ना कि केवल ये स्कूल बिल्डिंग को बनाना होगा, यहाँ के मिड डे मील के लिए ये किचन पर्सन को भी बनाना होगा, और ये बच्चों के लिए जो टॉयलेट होते हैं यूरिन लेटरिन टॉयलेट भी बनाना होगा। कुल मिलाकर यहाँ पूरा मतलब अभी नया बनाने से ही होगा, अभी यूजलेस हो रहा है यहाँ पे, पूरा दरवाज़ा टूट गया और पूरा लेटरिन यहाँ पर जाम हो गया, मिट्टी यहाँ से सीधा ये जब बरसात होगा तो पानी से बहते हुआ पूरा मिट्टी घुसा जा रहा है, वहाँ अंदर पानी घुसा जा रहा है। तो ऐसे ये हालत है, तो ऐसे में बच्चों यहाँ पढ़ेंगे कैसे, आप खुद सोच के देखिए, पूरा ख़राब है। यहाँ पीछे साइड पे देखिए अब ये हालात है। और जितने भी कंट्रैक्टर है ना, जितना भी कंट्रैक्टर है जब इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को जब बनाते हैं, अब काम मांगते हैं ज़बरदस्ती, हम बनाएगा, सब लोग काम छीना छीनी करके बनाते हैं। फिर अब जब काम करते वक्त मेटेरियल्स जो है क्वालिटी मेटेरियल्स यूज़ करना है, सीमेंट बाली रोड से लेकर का टीना खिली लॉक सॉक जब सो एवरी थिंग्स अब बेस्ट क्वालिटी का मेटेरियल्स लेना है। अभी ये 16 साल ही हुआ है, ये इतना तो ख़राब नहीं होना चाहिए था, पता नहीं मेटेरियल्स का कमजोरी है या क्या ही था, पूरा ये लेना, अभी बच्चा पढ़ेगा कहाँ ऐसे में। तो बेस्ट क्वालिटी मेटेरियल्स लेकर आपको ये बनाना है, जब अभी नया सेंक्शन आएंगे, नया स्कीम आएंगे, जो भी कंट्रेक्टर होगा, अब मैं थोड़ा अच्छा से बनाइए और तुरंत बनाइए, अगर स्कीम आने में अगर देर होगा ऐसा लगने से, आप इसको तुरंत ये रिपेयर कराइए एक बार, क्योंकि अभी कंटिन्यू अभी बच्चा स्कूल पढ़ना है, तो अभी पूरा पानी घुसते जा रहा है, जब बरसात होगा सीधा रूम में घुस रहा है। और यहाँ बैठने की मेन है, बैठने के लिए बेंच डेस्क जो है नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एक दो चार है, वो भी कोई ना कोई बेंच का ये पैर टूटा हुआ है किसी का, पूरा ख़राब हो चुका है, ये बेंच बैठने का बेंच डेस्क नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ इसके ऊपर आप पूरा कार्रवाई करेंगे, इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को यही थमाते हैं।
फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ। तब तक के लिए इंतजार बने रहिए।